हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और मजबूरी के एक और व्लॉग में। और जैसा कि देख सकते हैं अभी हम लोग हैं पिक्चर पैलेस में, और यहाँ से जो हम लोग अभी जा रहे हैं वो है गन हिल, और उसके पहले हम लोग जाएंगे होटल पे क्योंकि दोनों से एक ही जगह पे है। चलिए अब ये गन हिल पॉइंट का व्लॉग हम लोग शुरू करते हैं। तो गाइस वेलकम बैक, और यहाँ से जो अभी पिक्चर पैलेस पे है यहाँ पे आपको ये पूरा आपका टैक्सी स्टैंड है, और ये पेड टैक्सी स्टैंड है, यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लगा हुआ है। और यहाँ से जो है गन हिल जो है गन हिल है वो यहाँ से 1 किलोमीटर है, और यहाँ से जो है आप जो पिक्चर पैलेस है ये ना, ये आप यहाँ से लोकल साइट सीइंग का बुक कर सकते हैं, और फिर जो इसका चार्जेस रहता है यहाँ लोकल साइट सीइंग का वो 3000 to 4000 वेरी करता है, डिपेंड करता है कि आप किससे बुक कर रहे हैं। यहाँ पर आपको लोकल टैक्सी मिल जाती है, और फिर आपको बहुत सारा और वो भी मिल जाती है। तो यहाँ देख सकते कि ये चढ़ाई काफ़ी स्टीप है, तो थोड़ा सा चढ़ने आप लोग पहुँच सकता है कि हाल खासा हो, प्रॉब्लम हो, तो आराम से धीरे धीरे करके हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर आप साथ ही साथ जो है और भी फोटोज देख सकते हैं। आप यहाँ पर आके डायरेक्ट यहीं को फोटो ले सकते हैं, रूम ले सकते हैं, आपको इजीली बजट में बहुत अच्छा रूम मिल जाएगा। तो ये है यहाँ पर का चेक पॉइंट है, तो इसके आगे जो है आपको गाड़ी ले जाना अलाउड नहीं है। और यहाँ से जो है पूरा मॉल रोड जो है वो स्टार्ट होता है, और यहाँ से आपको पूरा सीधा रास्ता करीब 1 किलोमीटर का, और जो मॉल रोड का स्टेशन है मैं आप लोगों को बता दूँ कि करीब करीब आपको 2 से 2.5 किलोमीटर का पूरा ये स्ट्रेच है, तो वो काफ़ी लंबा है। अगर आप मैं आपको एक अलग से वीडियो दिखाऊंगा तो इवनिंग टाइम कैसा रहता है, क्योंकि अभी तो बहुत से शॉप जो है वो क्लोज है, और कुछ ज़्यादा अच्छा तो लाइटिंग भी नहीं है। तो अभी यहाँ से जो है एकदम खड़ी चढ़ाई है, एकदम सीधा देख सकते आपको ऊपर में। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सभी पॉइंट से, जैसे कि यहाँ पहले बताया था कि सभी पॉइंट से आपको व्यूज अच्छा मिलेगा, और यहाँ पर आपको जो है होटल भी मिल जाएंगे खाने के लिए, और ये जो है आपको यहाँ पर कुछ गेमिंग पार्लर भी है, तो आप वहाँ भी जा करके गेम भी खेल सकते हैं आप खेलने का मन है तो। और फिर आप बिल्डिंग जो है यहाँ पर आपको जो है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग भी देख रहे हैं आप तो। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ जैसे जैसे दिन ढलेगा तो यहाँ ट्रैफिक और रश और भी बढ़ेगा, एंड जैसे जैसे दोपहर होगा शाम होगा तो रश और बढ़ता है, और आज क्रिसमस है तो और भी ज़्यादा रश होगा। तो अब यहाँ से जो है वो एकदम खड़ा चढ़ाई है में। और यहाँ से बता दूँ कि यहाँ से एक दूसरा रास्ता जाता है, देख सकते हैं यहाँ से एक और रास्ता गया हुआ है इधर, जो आपको कैमल बैक रोड की तरफ ले जाएगा। ये आपको कैमल बैक रोड है, तो आप कैमल बैक पॉइंट जा सकते हैं, और इसी साइड से जो है आपका गन हिल जाएगा। तो यहाँ से आप देखते हैं खड़े चढ़ाई जो है एटिंग वगैरह की भी कैसे।
तो अब हम लोग जो है ये चढ़ाई चढ़ के अब आगे बढ़ रहे हैं। तो अब जो है वो ज़्यादा बड़ा चढ़ाई है नहीं, अब बस यहाँ से है। और मैं बता दूँ कि यहाँ पर आपको एटीएम का भी सुविधा मिल जाएगा कि यहाँ पर आप एटीएम से कैश सब भी निकाल सकते हैं। और मैं सजेशन रहेगा अगर आप लोग आ रहे तो कुछ कैश जो है अपने पास रखिएगा तो अच्छा रहता है। और यहाँ पर खाने का अभी काफ़ी अच्छा अच्छा दुकान है, यहाँ से हम लोग अभी खाए थोड़े पहले ही ब्रेकफास्ट किए थे। तो गन हिल जाने के रास्ते में आप देख सकते हैं काफ़ी तरह के छोटे मोटे ये सब दुकान शॉप्स लगे हुए हैं, तो इसको आप खेल सकते हैं, आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहे। सुबह के टाइम ताज़ा धूप में माल रोड पे चढ़ने का मज़ा ही। और यहाँ पर बस हम लोग पहुँचने वाले हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में आपको रोप देखा वो दिख रहा होगा जो लाइन है। और अब हम लोग देख सकते हैं केबल कार नीचे आ रही है, तो मैं हम लोग देखते हैं कितना है उसका चार्जेस और उसी के हिसाब से फिर हम लोग आगे जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका टिकट काउंटर गंजी का, और यहाँ पर लाइन लगी हुई है उसकी आने के लिए। और ये आपको केबल कार यहाँ पर आ गई है, तो मैं बता दूँ जो यहाँ पर ये प्राइस है, ये जो प्राइस है ये है 180 पर पर्सन राउंड ट्रिप के लिए। और यहाँ पर से आप कुछ खाने पीने का भी ले सकते हैं। तो हम लोग जो है अभी जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर लाइन काफ़ी लंबा लगा हुआ है, तो इसीलिए हम लोग जो है पैदल ही जा रहे हैं। और यहाँ पर ये पूरा चलते हैं गन हिल, तो देखते हैं किधर से है रास्ता। तो गन हिल के लिए हम काफ़ी टॉप पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे ये दो रास्ते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए यहाँ पे बोर्ड है मिडवे कैफ़े, तो जहाँ मिडवे कैफ़े का एरो है इस तरफ जाना है हमें गन हिल के लिए। तो हम यहाँ से करेंगे चढ़ाई। तो देख सकते हैं आप कितनी ऊपर आ चुके हैं हम टॉप पे। और यहाँ पे भी अभी और काफी चढ़ना है। क्या भाई लोग थक गए? तो फाइनली काफी ठंड के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं
गन हिल पॉइंट पे। रुक एक मिनट, वाकई काफी टफ चढ़ाई थी। लो जी आ गए फाइनली हम गन हिल, और यहाँ आती है सामने रोपवे, और सामने है टेलीस्कोप पॉइंट, जहाँ से आप टेलीस्कोप से नीचे पूरा हिल व्यू वैली व्यू देख सकते हैं। और यहाँ सामने है मेरे, और यहाँ है सामने स्नो व्यू पॉइंट, जहाँ से आप जो है स्नो का व्यू देख सकते हैं जब यहाँ मसूरी में स्नो गिरती है। गन हिल, तो गन हिल व्यू पॉइंट पर भी काफ़ी सारी एक्टिविटी है आपके एंजॉयमेंट के लिए, प्राइज़ वगैरह जीत सकते हैं आप गेम वगैरह खेल के, रेस्टोरेंट वगैरह खाना पीना यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं, और भी काफ़ी सारी एक्टिविटी है, ड्रेस पहन के फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं। और सामने आप ये जो ब्लैक वाली हट देख रहे हैं ये है हॉन्टेड हाउस, अगर हॉरर शो के फैन हैं तो आप हॉन्टेड शो का मज़ा यहाँ पे ले सकते हैं। तो अब कुछ देर यहाँ पे हम रेस्ट करेंगे गन हिल पे, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट लोकेशन के लिए चलेंगे। वो टीवी काले दिख रहे उसके पीछे देखो, हाँ अरे हिमालय वो तो रहा तो अभी हम लोग करीब आधा घंटा यहाँ पर टाइम बिता चुके हैं। और यहाँ पर जैसा कि आपने देखा है वीडियो में कि जितने सारे व्यूज़ ये सब थे, और वहाँ पर आपका गन हिल है ऊपर में जो गन पॉइंट है वो है, और इधर से आपका सनसेट पॉइंट जो कहते हैं वो आपको दिखेगा वो इवनिंग के लिए, इधर से आप देख सकते हैं हिमालय इसका था। तो अब हम लोग जा रहे वापस से नीचे, तो वापस से फिर से नीचे है तो वो तुरंत पार कर लेंगे। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले प्लेस पे आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, और गन हिल से अलविदा।